तो चलिए हम लोग बात करेंगे आज यूपीपीसीएस प्रीलिम्स जो 2020 का हुआ है। आप लोगों को मालूम होगा कि आपका ये 11 अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था? 11 अक्टूबर को हुआ था 2020 में, ठीक है। और याद रखिए, इससे पहले आपका जो भी यूपीपीसीएस का सिलेबस है, जो भी पैटर्न है, मेंस का सिलेबस जो भी है, तो इसके बारे में हम लोग बहुत विस्तार से बात कर चुके थे। और आपके 2012 से लगाकर 2019 तक के सभी क्वेश्चंस पेपर भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो आपका यूपीपीसीएस या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसी में सब कुछ डला हुआ है। और वैसे भी एक बार आप लोग प्लेलिस्ट सूची जरूर विजिट कर लें। इसमें आपका सिविल सर्विस हो, एमपीपीएससी हो, फिर चाहे आपका यूपीपीसीएस हो, एनसीईआरटी हो, बाकी भी जीएस की कोई बुक्स है तो उसे भी हम लोगों ने कवर किया है आपका, ठीक है। तो याद रखिए, ये आपका जनरल स्टडीज या सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट है, और बुकलेट यानी कि सेट ए है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि सी सेट भी होता है, लेकिन वो क्वालिफाइंग होता है तो अधिकतर लोग उसे पास कर लेते हैं आराम से। लेकिन जो मेरिट बनती है आपकी मेंस में जाने के लिए, यानी कि लिखित परीक्षा में पहुंचने के लिए, आपको इसी के स्कोर के आधार पर आप लोग पहुंचते हैं, ठीक है, सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के आधार पर। और आप सभी को मालूम होगा कि 200 नंबर का रहता है और इसमें 150 क्वेश्चंस रहते हैं। और एक बात और हमेशा याद रखिए, माइनस मार्किंग होती है, इसमें माइनस मार्किंग है, तो बड़े अच्छे से ध्यान से आपको पढ़ना है। तो चलिए इसके जान लेते हैं हम लोग आंसर भी। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कब किया गया था, 2019 में। और इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए, क्वेश्चंस पेपर लगाने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो आपसे कहा जाता है कि सिलेबस आपके पास होना चाहिए और कम से कम 5 से 7 साल की क्वेश्चंस पेपर भी आपके पास होना चाहिए। और यही आपका लिखित परीक्षा का भी है, लिखित परीक्षा के लिए भी आपको पुराने क्वेश्चंस पेपर देख लेना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि एक अंदाजा लग जाता है क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किस प्रकृति के क्वेश्चंस हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए हमेशा लगा लिया करिएगा, फिर चाहे आपका कोई लो लेवल का एग्जाम हो या हाई लेवल का, इसके बारे में आपको सिलेबस और यानी कि पाठ्यक्रम और क्वेश्चंस पेपर आपकी टेबल पर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपका डी होगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो आप सभी जानते होंगे इक्ष्वाकु वंश को, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संधियों में से किसने मात पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया? तो ये भी आपको मालूम होगा, ये थी अलग समिति। मौर्य काल में एग्नोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, मार्ग निर्माण। चार में क्या होगा, सी। क्वेश्चन है, पांचवा, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, इसमें आपका जीवन प्रत्याशा की जाती है, शिक्षा की जाती है, प्रति व्यक्ति आय की जाती है, समानता, सामाजिक असमानता नहीं की जाती है, लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है, नहीं। तो आप क्या लगाएंगे, डी ऑप्शन, ठीक है, याद रखिए। और ये वैसे भी याद रखना है आपको कि इंडेक्स से आपके क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, वो एक महत्वपूर्ण संगठनों से आपके क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप लोगों के संगठन तो मैं कवर करवा चुका हूँ, प्लेलिस्ट सूची में जाइए, उसमें महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, वहां आपके डले हुए हैं। और अगर कोई छूटा हो, वैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी कवर हो चुके हैं, अगर कोई छूटा हो तो आप लोग बताइए, उसे भी कवर करवा दूंगा। क्वेश्चन है अगला, छठवा, सूची एक सूची दो को सम्मिलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर भी इसका चुनना है। सूची एक हो गया, सूची दो, ये महाजनपद हो गया, ये राजधानी होगी इसकी, महाजनपद राजधानी। तो इसमें आप देखेंगे मत्स्य, विराटनगर, कुरु, इंद्रप्रस्थ, सूरसेन, आप सभी जानते हैं मथुरा, अस्मक, पोतन, इसमें क्या लगाएंगे आप लोग, 1, 3 से 2 यानी कि बी, 4 से, तो इसमें आपका होगा, और सूरसेन 1 से यानी कि सी ऑप्शन आपका होगा। क्या होगा छठवें में, सी ऑप्शन। क्वेश्चन है, गरीबी गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया, किसने किया था? ये थे आपके ऑस्कर लुईस द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन है आठवां, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है, कथन ए और कारण आर। कथन ए की बात करें तो हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है, कारण
तारनार चोल शासकों में ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिन जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं। नीचे दिए गए कूट प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है आपको। तो 8 में क्या होगा, ए, यानी कि ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है याद रखिए। क्वेश्चन है 9वां, 20वीं सदी के 80 के दशक 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों का पर विस्तार से चर्चा की गई है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें महत्वपूर्ण नहीं था? क्या पूछ रहा है? नहीं था, महत्वपूर्ण नहीं था। तो आप देखेंगे प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण था, पर्यावरण प्रदूषण था, राजनीति एवं विकास नहीं था, जन सामान्य का विस्थापन और पुनर्वास था। तो इसमें आप क्या लगेंगे? सी ऑप्शन, क्योंकि नहीं पूछा है। क्वेश्चन है आपका अगला 10वां, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसमें उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो ये तो आप लोगों को मालूम होगा मुझे लगता है। तो ये थे आपके बीसी वांग वांग कर, ठीक है सी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं, तो 11, माफ करिए 10, 11 तो ऑप्शन ही नहीं है, 10 थे, कितने 10, 11 में ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 12वां, सूची एक सूची दो को सम्मिलित करना है हमें, ये हड़प्पा पुरातत्व हो गए, सूची दो में संघराज क्षेत्र या भारत के राज्य हो गए, बालू हरियाणा, मांडा उत्तर प्रदेश, पाडरी गुजरात, होलास जम्मू कश्मीर। तो इसमें क्या लगाओगे? डी, 12 में डी। 13 क्वेश्चन, वर्ष 1927 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास पर चर्चा आरंभ हुई है, वह प्रतिवेदन था कौन सा था? तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये था आवर कॉमन फ्यूचर, बी ऑप्शन आपका 13 में बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कथनों कूट से सही उत्तर चुनना है। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हैंसांग अबू जदई जईद अल मसूदी तथा अलवरनी ने किया। संभो संबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। तो 14 में आपका दोनों क्या है? सी ऑप्शन, यानी कि दोनों कथन आपके बिल्कुल सही है। 14 में आपका सी है। अटल नवोन्मेष मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल है? तो ये मालूम होना चाहिए, नीति आयोग की, ठीक है। भारत सरकार द्वारा 1919 में आई एलओ के वॉशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधित्व के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? तो ए थे आपके बीपी वाडिया, ठीक है। 16 में आपका क्या होगा? ए। 17 है, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिसमें जिससे विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली के लेखक थे? तो ए थे आपके कौन थे? रेचल कार्सन, यानी कि 17 में आपका सी होगा। 18 एक्सला सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई, अंग्रेजों को पुनः को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। तो इसमें आपके दोनों कथन सही है बिल्कुल, क्या लगाएंगे? सी ऑप्शन आप लोग 18 में सी। 19 में समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो ए आपका पूरक पोषण है, टीकाकरण है, पोषक एवं स्वास्थ्य सेवा शिक्षा है, लेकिन परिवार नियोजन नहीं है। तो 19 में आपका डी होगा, 19 में क्या होगा? डी। याद रखिए मेरी कोशिश है हर संभव कि आपको सही आंसर बताया जाए, फिर भी कहीं गलती हो जाती है। इस क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी क्लास में अगर गलती होती है तो आप लोग नीचे सुधार कर थोड़ा विस्तार से लिख दिया करेगा, जैसे क्या होगा कि हमारे परिवार का कोई और मेंबर आता है हम जैसा, तो वो आराम से उसका पता कर सके, ठीक है। सूची एक सूची दो को सम्मिलित करना है, सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर भी चुनना है। तो आप देखेंगे भारतीय संसद अधिनियम कब आया? ए 1878 की बात है। शाही पद अधिनियम कब आया? शाही पद अधिनियम ए आया 1876 में। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम कब आया? ए 1861 की बात है। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम कब आया? 1869। तो इसमें क्या होगा? इसमें आपका डी होगा ऑप्शन, क्या होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही। क्वेश्चन है 21, सूची एक सूची दो को आपको सम्मिलित करना है और सही कूट इसका सूची जो नीचे दिए गए इसका उपयोग करते हुए सही कूट से उत्तर चुनना है। ये सूची एक हो गई, सूची दो। सिंधु घाटी सभ्यता ये नगरीय थी आप जानते हैं, उत्तर वैदिक समाज कृषक था, ऋग्वैदिक समाज चारागाह था, मध्यकाल जमींदार था,
यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 21 में क्या लगाएंगे आप? डी। क्वेश्चन है, सिक्किम भारत में विलय किसने किया था? सिक्किम को का भारत में विलय किसने किया था? तो आप सभी को मालूम होगा कि लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। 22वां क्वेश्चन बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने? तो आप जानते होंगे कि एक क्रमशः 1971 और 1981 में, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। 24 से निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो इसमें आपको मालूम होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं लिया था, ठीक है। एम के गांधी साहब ने लिया था, सरोजिनी नायडू ने लिया था, पंडित मदन मोहन मालवीय ने लिया था। एम के गांधी यानी कि महात्मा गांधी ने, याद रखिए, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था केवल, ना तीसरे में लिया था ना पहले में। तो इसमें आपका डी होगा। सूची एक सूची दो को सम्मिलित करना है, आप सूची एक है सूची दो। जजमानी उत्तर भारत, बाराबलूट ए महाराष्ट्र, मिरासी ए आपका तमिलनाडु, मिरासी मिरासी आपका कर्नाटक है, और अडाने ए आपका तमिलनाडु। कहा है? तमिलनाडु। तो इसमें क्या लगाएंगे? बी ऑप्शन। 25 में बी है। 26 क्वेश्चन है, सूची एक सूची दो को सम्मिलित करना है, पुस्तक हो गई और ये लेखक हो गए। द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन, इसके लेखक थे आपके कौन थे? एक लाला लाजपत राय, ठीक है। गीता रहस्य आपको मालूम होगा, बाल गंगाधर तिलक। कौन? बाल गंगाधर तिलक। ए नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडिया विंग्स फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद। यानी कि ए ऑप्शन आपका 26 में बिल्कुल सही होगा। 26 में क्या होगा? ए ऑप्शन। 27, सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किया था? तो ये मालूम होना चाहिए, रॉबर्ट ई पार्क ने, ठीक है। 27 में आपका ए है। निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंगल मैसूर में एक आधुनिक सत्ताघर की स्थापना की थी? तो ये थे आपके हैदर अली। कौन? हैदर अली। 28 में आपका बी है। क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में से कौन एक वन प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है, याद रखिए। तो प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, जंगलों में आग लगा देना, और वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। तो इसमें आपका डी होगा, कारण नहीं है, ठीक है। बाकी तीन इसके कारण है। तो इसमें 29 में डी। क्वेश्चन है 30, इसमें दो कथन दिए गए हैं, कथन ए दिया गया और कारण आर। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की, इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है आपको। तो आप सभी जानते हैं कि इसमें ए ऑप्शन सही होगा, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। 30 में आपका ए होगा। चलते हैं 31 क्वेश्चन। भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो ए मालूम होना चाहिए, हुबली में। कहां? हुबली में। 31 में आपका ए है। 32, निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए, उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है आपको। क्या करना है? व्यवस्थित करना है। फतवाए जहांगीरी, पृथ्वीराज रासो, किताब उल हिंद, तबकात नासिरी। तो इसमें किताब उल हिंद सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा पृथ्वीराज रासो, फिर आएगा आपका तबकात ए हिंद ए नासिरी, और फिर आएगा फतवा ए जहांगीरी। यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? डी। 32 में डी, ठीक है। 33 में जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा मंगल मिशन प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र बन गया है? तो ये आपको मालूम होना चाहिए, संयुक्त अरब अमीरात। यानी कि 33 में आपका सी है, ठीक है। क्वेश्चन है अगला 34, 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो ये था आपका अबुल हसन कुतुब शाह। यानी कि 34 में आपका ए है, ठीक है।
क्वेश्चन है 35, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में किसने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इलेक्ट्रॉन सेवा पर प्रतिबंध लगाए हैं? तो ए है आपका बांग्लादेश। किसने? बांग्लादेश ने। ठीक है, क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही चुनना है? क्या चुनना है? सही कथन चुनना है। अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया। अकबर ने लड़कियों को अभिभावक के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी। तो इसमें आपका दोनों कथन सही होंगे। क्या होंगे? दोनों कथन, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 36 में। 37 है, इंडिया आइडिया समिट 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यानी कि सही कथन आपको बताना है। इसे अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा वस्तुतः 22 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया। इसका विषय थीम थी भारत का सशक्तिकरण। तो 37 में आपका क्या होगा? केवल एक कथन सही होगा। इसे अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा वस्तुतः 22 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका 37 में सही है। 38 है, सूची एक सूची दो को सम्मिलित करना है। ये अधिकारी हो गए, विहित कर्तव्य इनके कर्तव्य हो गए। दीवान ए तन, दीवान ए तन, इसका काम था जागीर व वेतन को देखना। मुस्तारफी, इसका काम क्या था? इसका काम था राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। मुशरिफ, इसका काम क्या था? कार्यालय को संभाल, क्या था? कार्यालय को संभालने के लिए। और वाकिया, वाकिया ने भी इसका काम था प्रमुख घटनाओं पर फरमानों को सूचीबद्ध करना। यानी कि 38 में क्या लगाओगे? बी ऑप्शन, 38 में बी लगाएंगे हम लोग। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से किस में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया है? ए प्रयागराज। कहाँ? प्रयागराज में। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? शेख मुजुद्दीन मुइनुद्दीन चिश्ती सही सम्मिलित नहीं है, नहीं पूछ रहा है। ठीक है, याद रखना। तो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में है, शेख बुरहानुद्दीन गरीब ये दौलताबाद से संबंधित, शेख मोहम्मद हुसैन गुलबरगा, शेख निजामुद्दीन औलिया ये मुल्तान से संबंधित नहीं है। तो इसमें आप डी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डी ऑप्शन। क्वेश्चन है 40, भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने 25 जुलाई 2020 को घोषणा की कि वर्ष 2021 में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किया जाएगा। कौन करेगा? इसमें करेगा आपका हरियाणा, हरियाणा। ठीक है, क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजवा पुनर्जीवित करने की करके किया गया? तो ए है आपकी साहब नहर, साहब नहर, यानी कि 42 में आपका बी होगा। क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर स्थित नेस डाक के बिल बोर्ड पर 29 जुलाई 2020 को जगह प्राप्त करने वाला अकेला फुटबॉल क्लब बन गया है? तो ये आपका मोहन बागान। कौन सा? मोहन बागान। सी ऑप्शन आपका सही है, बिल्कुल। क्वेश्चन है 44, निम्नलिखित में से किताब ए नौरस, नौरस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन लेखक था? इसमें से इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, यानी कि 44 में आपका ए होगा। क्वेश्चन है 45, भारत की पहली किसान रेल निम्नलिखित में से दो स्टेशनों के बीच 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा आरंभ की है? तो ये आपको देखने को मिलेगी देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में के सहयोग से एक बेहद सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना, फ्रांस के सहयोग से एक आपकी सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित करने किया गया है? तो ये है आपका मिर्जापुर में। एक बात और आपको बताऊं, जो करंट की बुक आती आती है, दृष्टि निकालता है समसमय की घटना चक्रवार, उसे जरूर पढ़ लिया करके पेपर के समय। आप देखते हैं अधिकतर क्वेश्चंस आपके करंट से उसी से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और बहुत छोटी सी बुक से, ज्यादा बड़ी नहीं है, आप ये मत कहिए बहुत बड़ी है। तो वैसे भी हम लोग भी कवर करवा देते हैं आपके पेपर के समय। निम्नलिखित देवों में से सही सम्मिलित नहीं है, क्या पूछ रहा है? नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, ये सम्मेलन हो गया, ये स्थान हो गए आपके। ईस्ट एशिया सम्मेलन 2020 सिंगापुर, ये नहीं है आपका। G20 सम्मेलन 2019 ओसाका, G7 सम्मेलन 2019 बियारी, ईस्ट एशिया सम्मेलन 2019 बैंकॉक। तो इसमें आपका ए होगा। 47 में क्या लगाएंगे आप लोग? ए। क्वेश्चन है 48, जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने और स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया? तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि 48 बी है। क्या है? 6, 6 को किया गया है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने किसने
इसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई है, तो ये है आपका छत्तीसगढ़। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मूल निवासी नहीं है? इसे जरूर पढ़ लिया करेगा, है या नहीं है, तो यहां पूछ रहा है नहीं है, तो इसमें हालचू है, रेगमा नहीं है, ठीक है, ओंजू है और सोमपेन है, तो इसमें क्या लगाएंगे, बी ऑप्शन, 50 में आपका बी। 51 क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कथन में से कौन सा सही है? भारत में विश्व की कुल बाघों की आबादी 70% है, भारत के लगभग 30% बाघ बाघ अभयारण्यों के बाहर रहते हैं, सही कूट चुनना है, तो 51 में आपका सी होगा, यानी कि दोनों आपके कथन सही है, 51 में सी। क्वेश्चन है 52, निम्नलिखित में से कौन एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? तो इसमें आपसे आपको देखने को मिलेगी सतलज नदी, कौन सी, सतलज। क्वेश्चन है 53, निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन की 4 जून 2020 की मेजबानी की है? तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ये है आपका यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन है 54, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? क्या पूछ रहा है, सही सम्मिलित नहीं है, ये जनजाति हो गई, ये अवस्थिति हो गई, क्या हो गई, जनजाति अवस्थिति, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा अंगामी, ये नागालैंड से संबंधित है, बिरोर झारखंड, खस अरुणाचल प्रदेश से नहीं है, क्या है, और तोड़ा तमिलनाडु से, तो इसमें क्या लगेंगे, सी, क्योंकि सम्मिलित नहीं है पूछा है, तो सी नहीं है सम्मिलित। क्वेश्चन है 55, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है आपका अपतटीय गश्ती जहाज से, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सूची एक सूची दो को सम्मिलित करना है, झील हो गई, ये अवस्थिति हो गई, क्या हो गई, अवस्थिति हो गई, तो इसमें आप देखेंगे साला झील अरुणाचल प्रदेश, बलखल झील हरियाणा, लोकटल झील मणिपुर, कालीबेली झील तमिलनाडु, तो इसमें आप क्या लगाएंगे आप लोग, ए ऑप्शन, 56 में ए। क्वेश्चन है 57, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ वर्ष 2020 में किया है? तो ये आपका है हरियाणा ने, किसने, हरियाणा। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और कारण आर। कथन ए कह रहा है अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र है, और कारण आर अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं है, नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है, तो 58 में आपका बी होगा, ए गलत है लेकिन किंतु आर सही है, 58 में क्या लगाएंगे आप लोग, डी। क्वेश्चन है 59, 27 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोविड-19 परीक्षण के लिए 3 नई भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR उच्च श्रेणी परीक्षण प्रयोगशालाओं का वस्तुतः उद्घाटन किया है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि ये है कोलकाता, नोएडा और मुंबई में, बी ऑप्शन 59 में आपका बिल्कुल सही है, क्या है, 59 में आपका बी सही है। अब आप लोग देख लें अगर तो ठीक है, वरना बताइए, देख लेते हैं आगे तो नहीं है, चलिए इस पेज को आप लोग, क्या है कि उल्टा हो गया है, निम्नलिखित में से 60 क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ये है आपकी हिमाद्री श्रेणी, ठीक है, थोड़ा उल्टा है पहला पेज, वो क्या है कि स्कैन करते हुए उल्टा हो गया होगा। क्वेश्चन है 61, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृति स्वीकृत किया है? तो ये आपको देखने को मिलेगा कौन सा है, ये है आपका कुशीनगर हवाई अड्डा, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 62, सूची एक सूची दो को आपको सम्मिलित करना है, सूची एक सूची दो को क्या करना है, सम्मिलित करना है, ये राष्ट्रीय उद्यान हो गए आपके, ये राज्य हो गए, ठीक है, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे इंद्रावती, ये आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में, मुल्लेम ये गोवा में, और कलेसर ये हरियाणा में, और बेतवा ये आपको झारखंड में, ठीक है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ए ऑप्शन कैसा होगा, 62 में सही होगा। 63 है, निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में जून 2020 में नहीं चुना गया है? आप जानते हैं भारत को भी चुना गया है, लेकिन इनमें से किन को नहीं चुना गया है? तो आप देखेंगे कनाडा को नहीं चुना गया, किसे, कनाडा को, नॉर्वे को चुना गया है, आयरलैंड को, मैक्सिको को। क्वेश्चन है 64, निम्नलिखित में से सही सम्मिलित देखना है आपको, क्या करना है, सही सम्मिलित चुनना है, खनिज हो गए, उत्खनन शहर हो गए, ठीक है,
तो 64 आप देखेंगे, तांबा, चित्तदुर्ग बिल्कुल सही है, लोवेस्क, बेल्लारी, बेल्लारी एक गलत है, मैग्नीज, भिलवाड़ा ये सही है, बॉक्साइट, कटनी तो ये भी गलत है। तो इसमें आपका सी होगा, 1 और 3 बिल्कुल सही होगा। 1 3 कैसा होगा? बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है 65। 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर चुनना है आपको। या डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्ष कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई है, बिल्कुल सही है। यह विगत 38 वर्ष से लागू पिछली शिक्षा नीति को बदल देगी, ये बिल्कुल गलत है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि 1900, देखिए आपकी पिछली कब आई थी आप जानते हैं कि 1986 में आई थी, फिर 1992 में इसमें बदलाव हुआ था। कब हुआ था? बदलाव हुआ था। तो आप जानते हैं कि 34 साल बाद आई हुई है, ना कि 48, ठीक है, कब? 34। चलिए अगला क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी स्थित है, कश्मीर घाटी स्थित है, तो ये आप देखेंगे पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, यानी कि 66 में आपका भी। क्वेश्चन है 67, निम्नलिखित में से किस राज्य संघराज्य द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चलित वाहन नीति की घोषणा की गई है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, यह है दिल्ली, दिल्ली, ठीक है। क्वेश्चन है 68, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए, उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित करना है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसमें आप देखेंगे चंबल, फिर आपको देखने को मिलेगी सिंध, फिर आपको बेतवा और कैन, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है 69, निम्नलिखित में से किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 यानी कि 2050 पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ए है आपका नांदी फाउंडेशन, यानी कि 69 में भी होगा। 70, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ये देश हो गया, लोहे खनिज उत्पादक क्षेत्र हो गए, कजाकिस्तान, कारागंडा में है, यूक्रेन, केबोई राग, ये भी सही है आपका, जर्मनी, नॉर्मेंडी, ये गलत है, सी गलत है, फ्रांस, पायरेनीज। तो इसमें क्या होगा आपका? सी, 70 में सी। क्वेश्चन है 71, कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया है? तो ये सभी को मालूम होगा आपको, चट्टोग्राम, चिटगांव भी बोलते हैं, ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है आपका 72, विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? तो ये आपको मालूम होना चाहिए, है भूमध्य सागरीय प्रदेश में, यानी कि 72 में सी। 73, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये आपका अशोक साहनी को। फिर आपका सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात हो गया, देश हो गया आपके, तो ये आपको देखने को मिलेगा 74। इसमें बेगो, ये आपका फिलीपीन पाइंस, हरिकेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, टाइफून, टाइफून आपका चीन, और बिलीबिलीज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इसमें आप बी लगाएंगे, क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे, ठीक है, 74 में बी। क्वेश्चन है 75, सुपोषण यूट्रोफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, या जल निकाय के पोषक तत्वों तत्व संबंधन की घटना है? तो इसमें आपके दोनों सही हैं, एक भी सही है और दूसरा कथन भी सही है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस तट पर अवस्थित है? तो ये आपको देखने को मिलेगी दक्षिण पश्चिमी तट पर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है 77, निम्नलिखित घटनाओं में उनके प्रारंभ कालक्रम में व्यवस्थित करना है आपको। तो आपको देखने को मिलेगा पहले प्रोजेक्ट हाथी आया, फिर आपको प्रोजेक्ट टाइगर, फिर आपको देखने को मिलेगा, माफ करिएगा कितनी गलतियां होती हैं, पहले आपको वन्यजीव संरक्षण अधिनियम देखने को मिलेगा, फिर आपको प्रोजेक्ट टाइगर, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट हाथी, और फिर आपका जैव विविधता अधिनियम आया, ठीक है। इसमें यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा, 77 में क्या लगाओगे? सी। क्वेश्चन है 78, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए, अगुलहास, ठीक है, 78 में सी। 79, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है जैव भू रासायनिक तत्व रसायन चक्र,
ठीक है, 79 में ए है आपका। 80, सूची एक सूची दो को सम्मिलित करना है, जनजातीय समूह हो गए, देश हो गए, यहूदी, यहूदी आपको देखने को मिले इजराइल, ये काफी चर्चा में रहा है, टेडा, लीबिया, बेजा, मिस्र, लोरु, ये आपका ईरान, तो इसमें आपका डी होगा। 80 में क्या लगाओगे? डी। 81, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था? तो ये आपको मालूम होना चाहिए, दरभंगा बिहार से, ठीक है, 81 में सी। 82, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, देश हो गए, मोरक्को इनकी राजधानी हुई, तो इसमें मोरक्को, रबात है इसकी, ट्यूनिसिया, ट्यूरिस, अल्जीरिया, अल्जीरियस, कैबार्डी, बमाको नहीं है, इसमें डी ऑप्शन होगा। 82 में क्या लगाएंगे? डी। क्वेश्चन है 83, हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह की औसत तापमान होगा, तो ये आपको देखने को मिलेगा -18 डिग्री सेल्सियस, 83 में आपका बी। 84, दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मासबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो ये आपको देखने को मिलेगा मैग्नीज का। क्वेश्चन है 85, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है, ये कहलाता है आपका सीयर, ठीक है, बी ऑप्शन 85 में सही है। 86, सूची एक सूची दो को सम्मिलित करना है, पर्वत हो गए, देश हो गए, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा एटलस, ये मोरक्को में, एटलस मोरक्को, कली मंजारो, ये आपकी फ्रांस स्पेन, ये आपका फ्रांस में, कली मंजारो तंजानिया में है, कहाँ है? तंजानिया में। चिमराजू, ये आपको इक्वाडोर, पायरेनीज, फ्रांस, तो इसमें आपका ए ऑप्शन होगा। 86 में क्या लगाओगे आप लोग? ए। 87, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लोहे विद्यमान होता है? तो ये आपको देखने को मिलेगा मायोग्लोबिन में, ग्लोबिन में, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। 88 है, मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है, किसके लिए है किंटा घाटी प्रसिद्ध? ये तेल उत्पादन के लिए है, 88 में आपका सी होगा, ठीक है। फिर आपका 89, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है, ये आपका कहलाता है उत्परिवर्तन। क्वेश्चन है 90, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, नहीं गुजरती है पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? नहीं गुजरती है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है आपको, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा भूमध्य रेखीय गिनी से नहीं गुजरती है और रवांडा से नहीं गुजरती है, यानी कि आपका डी ऑप्शन होगा 90 में क्या होगा? डी। 91 क्वेश्चन है, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ए आपको देखने को मिलेगा फोटो सेल का उपयोग किया जाता है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 92, संविधान किस किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? संविधान से कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए और सरल क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आपके भाग 9 में। क्वेश्चन है 93, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो ये आपको देखने को मिलेगा नियोप्रीन नहीं है, ठीक है, बी ऑप्शन सही है 93 में। 94, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय दल कब जोड़ा गया? ये 1992 की बात है, 94 में सी। क्वेश्चन है 95, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से में प्रारंभ होता है? तो ये आप सभी को मालूम होगा आमाशय से, 95 में आपका डी है, 95 में क्या? डी। 96, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है, क्या पूछ रहा है? संभव नहीं है, तो इसमें आप देखेंगे नए राज्यों का गठन संभव है, राज्य के क्षेत्रों में परिवर्तन संभव है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन संभव है, लेकिन नए राज्यों का प्रवेश संभव नहीं है, तो 96 में आपका डी, 96 में क्या होगा? डी। 97, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से रोग कौन सा होते हैं? बेरी 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 बेरी, ठीक है, डी ऑप्शन 97 में सही है। 98, निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? संसद की कोई भूमिका नहीं होती है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में इसे होती है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में ये भी होती है, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग की इसमें नहीं होती है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक में इसमें हुई होती है, तो इसमें केवल 3 सही होगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 99 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? तो आप सभी को मालूम होगा विटामिन के, कौन सा? विटामिन के। क्वेश्चन है 100, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, और भारत लोक सेवा आयोग है, भारत निर्वाचन आयोग है जो आप देखते हैं विधानसभाओं का करवाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है,
क्योंकि आप सुनते हैं डेट, लेकिन जो लोकल के होते हैं ये राज्य निर्वाचन आयोग करवाते हैं। 101 क्वेश्चंस क्या बोला है, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मस्तिष्क के हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है या शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। सही कूट कर उपयोग करते सही उत्तर चुनना है आपको, तो इसमें आपका सी होगा, एक दो दोनों सही होंगे, 101 में सी। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 102, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है, सही सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है, याद रखिए। अंतरराज्य राज्य परिषद अनुच्छेद 263 बिल्कुल सही है, वित्त आयोग 280 बिल्कुल सही है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 का ये गलत है आपका, सी गलत है, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। तो इसमें पूछ क्या रहा है, सही सम्मिलित नहीं है, तो सी सही सम्मिलित नहीं है, 102 में क्या लगा हो सी। क्वेश्चन है 103, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, तो ये तो आपको मालूम होगा ना, हींग। ठीक है, क्वेश्चन है 104, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है, तो इसमें आपका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है, डी ऑप्शन होगा। नीचे दो कथन दिए गए, कथन ए और कारण आर। कथन ए क्या कह रहा है, सुक्रोज की अपेक्षा प्रत्येक शर्करा अधिक मधुर होता है। कारण आर कह रहा है, प्रत्येक शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। 105 में क्या लगाएंगे आप लोग, बी ऑप्शन, ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, 105 में आपका बी। 106, राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर आपको विचार करना है और इनकी नियुक्ति का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनना है। ठीक है, तो 106 इसमें आप देखेंगे जयंती पटनायक, फिर आप देखेंगे डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी, फिर आप देखेंगे डॉक्टर गिरिजा व्यास, और फिर दूसरे नंबर पर ममता बनर्जी शर्मा लास्ट में। ठीक है, तो इसमें आपका डी होगा, 106 में आपका डी होगा। क्वेश्चन है 107, सूची एक सूची दो को सम्मिलित करना है और धातुएं हो गई, गुणधर्म हो गए, सोडियम क्या, सोडियम ए आपको देखने को मिलेगी, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है इसे, 107। पारा, कमरे के ताप पर द्रव, चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, सीसा ऊष्मा का कुचालक, तो इसमें क्या लगाएंगे, सी, 107 में सी ऑप्शन। 108, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 नागवां के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है, तो हैदराबाद कर्नाटक को, 108 में आपका बी होगा। ठीक है, 109, निम्नलिखित में से कौन सी किंतित पदार्थ नहीं है, 109 में क्या होगा आपका, तो फाइव ब्राइन नहीं, ब्राइन नहीं है, लेक्सान है, नियोप्रीन है, टेफ्लॉन है, तो इसमें आपका ए होगा। क्वेश्चन है 110वां, क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है पूछ रहा है, मूल कर्तव्य भाग आप जानते हैं चार कामिन, और राज्य आप जानते हैं भाग चार छह में, भाग छह में राज्य, भाग छह में कौन कह रहा है राज्य छह में, और भारत का नियम आदि भाग आपके, भाग आपके कितने में है, 13 में, संघ लोग संघ और राज्य की अधीन सेवाएं भाग 14 में, तो 10 में आपका क्या होगा, सी होगा। ठीक है, भारत का महान्यायवादी होगा, ठीक है, इससे संबंधित नहीं है ये, ठीक है, और बाकी सभी सम्मिलित हैं आपके, तो 10 में 110 में सी। क्वेश्चन है आपका सूची एक सूची दो सम्मिलित करना है आपको, पदार्थ होगा या अनुपयोग होगा इसके, पदार्थ और अनुपयोग, नीला थोता, कवकनाशी, योसिन, लाल स्याही, सिल्वर आयोडाइड, किंते बरसा, जिंक फॉस्फोट, किंतक नासी, रोडेंट नासी, यानी कि 111 में आपका सी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो ये प्राकलन समिति है, 12 में आपका बी। याद रखिए आपके 110 क्वेश्चन तक आप अगर सही सही पहुंच जाते हैं, 110 तक आप समझते हैं कि 100 105 आपके निकल गए हैं, तो आप इतने रहने दीजिए, ठीक है, अगर आपको पूरे आ रहे हैं तो आप महान हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको 90 से कम नहीं करना है। ठीक है, 110 तक आपको ले जाना है, ठीक है, इतना तो करना पड़ेगा आपको, 105 110, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं जो आप अगर 100 ठोक लगा के आ रहे हैं या लगा के आ रहे हैं, तो इतना क्लियर नहीं है कि पूरे 100 आपके 100 में 100 क्वेश्चन सही हो, आते हुए भी कई बार क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं। ठीक है, 113 क्या कह रहा है,
नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों भारत सूचकांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित वर्गों में किसमें वर्गीकृत किया गया है? तो ए अच्छा प्रदर्शन 113 में, बी। क्वेश्चन है 114, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं अनुच्छेद 5 से 11 में। 14 में, सी। 15, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में कौन से विरासत शहर विरासत विकास और वृद्धि योजना हृदय के अंतर्गत शामिल किया गया है या किए गए हैं? सही कूट का उपयोग कर इसका सही उत्तर चुनना है तो आपको वाराणसी देखने को मिलेगा, मथुरा देखने को मिलेगा, यानी कि इसमें सी ऑप्शन होगा आपका 115 में, सी। 16 क्या कह रहा है? नीचे दिए गए कूट यानी कि कथन ए और कारण आर को कहा गया है, इन्हें सही उत्तर चुनना है। भारतीय राजनीति व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से में पाए जाते हैं। कारण आर क्या कह रहा है? भारतीय राजनीति राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली परंपरागत शैली और संत शैली के तत्व समाहित हैं। तो ये आपको सभी सही, दोनों कथन सही भी हैं, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। 16 में आपका ए होगा, ठीक है। 17 है, प्रजनन के पित्ति स्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर TRF क्या होनी चाहिए? तो ये आपको देखने को मिलेगी 2.1 यानी कि 2.1। 17 में सी लगाएंगे। 18 में, राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? 12 यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है 19, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन से विधियों का प्रयोग किया जा सकता है? सिर गणना विधि, कैलोरी गणना विधि, पारिवारिक उपभोग विधि, प्रति व्यक्ति आय विधि, प्रति व्यक्ति आय। तो इसमें क्या होगा आपका 1, 2, 3 होगा, स्थिर गणना विधि, कैलोरी ग्रहण विधि, पारिवारिक उपभोग पे, ठीक है। तो इसमें आपका 19 में क्या लगा हुआ है? बी। 20, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे को के सिद्धांत को स्पष्ट किया है, यह आपको देखने को मिलेगा केशवानंद भारती बाद में 1973 में। मैंने कहा भी था कि ये क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है क्योंकि आपने देखा है कुछ समय ही पहले केशवानंद भारती की मौत हुई है, ठीक है। क्वेश्चन 21, आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। तो आप सभी लोग जानते होंगे मुझे लगता है कि प्रति परिवार देता है 5 लाख मिलता है लेकिन प्रति व्यक्ति नहीं। इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्य की भागीदारी 60:40 होगी, बिल्कुल सही है। तो इसमें केवल आपका दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है ना कि प्रति व्यक्ति को। क्वेश्चन है 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? क्या पूछ रहा है? सही सम्मिलित नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे अनुच्छेद 39A समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथककरण। इसमें डी होगा आपका क्योंकि सही सम्मिलित नहीं पूछ रहा है, बाकी ए बी सी आपके सम्मिलित हैं, ठीक है। 122 में सी, माफ करिए डी, 122 में डी, ठीक है, बोल दिया सी। पोस्ट की है यानी कि सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये आपको देखने को मिलेगा सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 24 क्या कह रहा है? भारत के महानिवेदि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा। महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा केवल एक सही है। क्या होगा? केवल एक कथन सही है 24 में, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 25, हौसला 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर चुनना है। तो ये आपको देखने को मिलेगा हौसला 2018 का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। या बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थाओं के बच्चों का राष्ट्रीय उत्सव था। तो 125 में आपके दोनों कथन सही हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 126 क्या कह रहा है? नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। कारण आर कह रहा है भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार है। तो 126 में आपका बी होगा, ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 126 में क्या लगाओगे? बी। 127, भारत $5 trillion अर्थव्यवस्था के लक्ष्य कब तक प्राप्त करने के लिए लक्ष्य रखा गया है? तो आप सभी जानते हैं कि 2024 तक, आपके प्रधानमंत्री साहब ने 2024 का लक्ष्य रखा था लेकिन अब तो 2024 में मालूम चलेगा कि क्या है। वैसे आज तक हम लोगों ने जो लक्ष्य रखे हैं वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं, समझ रहे हैं।
आप लोग भी तो लक्ष्य रखते होंगे कि मैं 1 साल में ये कर दूंगा, लेकिन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। 128 की बात करूं, मैं तो कहता हूं आप लोग लक्ष्य रखें तो शायद शायद नहीं हो जाना चाहिए यार आप लोगों का। 128, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूरी करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, सामान्य विधेयक पर। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 29, मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में विस्तृत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थिति स्थापित कर दिया? तो ये आपका याद रखना, 2010 में। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ है? तो ये आपको देखने को मिलेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट और एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दो कथन दिए गए, कारण आर, कथन ए और कारण आर। राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन सरकार द्वारा 2020 से 30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है। एनआईपी का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्रदान करना है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा, इसमें ए गलत है लेकिन आर सही है, 131 में डी होगा। फिर 32 क्या कह रहा है, सूची एक सूची दो को सम्मिलित करना है, अनुच्छेद हो गए प्रावधान हो गए। अनुच्छेद 61 आप जानते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 67 का उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाना। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 32 में क्या होगा, सी। चलते हैं 33, विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान 63वां है, स्थान है, ये आपको देखने को मिलेगा। वर्ष 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का स्थान 77वां स्थान था। सही उत्तर चुनना है और आपको, देखिए जो अभी लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आंसर की लगाई है उसमें बी ऑप्शन सही है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, थोड़ा मुझे भी कंफ्यूज है, क्योंकि आपने देखा है 2020 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर रोक लगा दी गई है, और इसलिए 2019 के आंकड़े में ये 63वें स्थान पर था। वो उससे पहले आप सोचिए कि 2000 आपका जो 18 रहा होगा पिछले साल, वो 77वें स्थान पर था। तो इसमें ना तो एक सही होना चाहिए था ना ही दो, यानी कि डी ऑप्शन होना चाहिए था 33 में, लेकिन आपको देख रहा है कि बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो चेक कर लेना आप लोग, हो सकता है कि मुझसे कहीं गलती हो, लेकिन लोक सेवा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आपका बी माना है इसमें। 34 में भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया है? तो आप सभी जानते हैं 22 जुलाई 1947 को, 34 में आपका सी। 35 है, केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा उत्कृष्ट कॉरपोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ा दी गई है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए 15%। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों में से कहां स्थित है? तो ये तो अभी आपने चर्चा में काफी रहा है, लखनऊ में, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 37, ये योजनाएं हो गई, ये प्रारंभ वर्ष हो गए। ठीक है, तो पीएम जन आयोग आयोग आरोग्य अभियान ये 2018 की है, पीएम वाय वंदना योजना ये 2017 की है, पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना ये आप सभी को मालूम होगा कि 2015 में, स्वच्छ भारत अभियान 2014, तो यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसमें, 137 में ए। 38 क्या कह रहा है, विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय द्वारा दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है, निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? तो ए आपका आता है नीति आयोग के। क्वेश्चन है आपका 39, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है, पूछ रहा है, तो आप सभी को मालूम होगा कि नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, मेथेन है, ए ऑप्शन इसमें होगा। क्वेश्चन है 40, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारी दुकानदारों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है, पूछ रहा है, ठीक है, सही नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के लोग इसके पात्र होंगे, उनका वार्षिक लेन देन टर्नओवर 1 करोड़ रुपए होना चाहिए, राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र नहीं होंगे, इसके अंतर्गत रुपया 3000 का वार्षिक पेंशन सुनिश्चित किया गया है, तो इसमें आपका सी होगा, 40 में क्या होगा, सी गलत है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 41, निधि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया है,
इसका उद्देश्य 20 छात्रों के स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता करना है। ये भी सही आपका 41, दोनों आपके कथन सही है। 41 में क्या है सी। क्वेश्चन है 42, सामान्यतया पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? तो आप सभी को मालूम होगा क्या, परिचालन पर्यावरण नहीं है, बौद्धिक पर्यावरण है, सांस्कृतिक पर्यावरण है, जबकि पर्यावरण है। तो इसमें 42 में ए है। 43, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और कारण आर। केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषि की आय दुगनी करने के उद्देश्य के साथ ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बजट में घोषित 16 सूत्री कार्यक्रम कृषि सिंचाई तथा ग्रामीण विकास के चतुर्दिक केंद्रित हैं। तो इसमें भी आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए आर दोनों सही है, आर यू की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, 44 क्या कह रहा है, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया, तो ए थे आपके बेनेट द्वारा। ठीक है, 144 में बी। क्वेश्चन है 45, ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतियोगिता सूचकांक जारी किया गया किया जाता है किसके द्वारा? तो ये आपका किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 46 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? समुद्री जल तल का बढ़ना, हिमनदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना, प्रवाल भित्ति का व्यंजन होना। तो इसमें आप देखेंगे 46 में चार होंगे आपके, डी ऑप्शन। 45, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित करना, नाबार्ड की स्थापना, स्वयं सहायता समूह का बैंक का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। सही उत्तर चुनना है इनपुट का उपयोग करते हुए। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक बैंक की स्थापना, फिर आपको नाबार्ड की स्थापना, फिर आपको स्व सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है 48, निम्नलिखित घटनाओं में को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से उत्तर सही उत्तर चुनिए। तो रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन, मॉन्टियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन। तो सबसे पहले द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन, फिर ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन, फिर आप देखेंगे मॉन्टियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन, फिर आपका रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन। तो इसमें आपका बी ऑप्शन होगा। ठीक है, 49, कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर चुनना है। कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीकी में प्रशिक्षित करना है। तो इसमें आपका केवल एक है, कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी। ठीक है, 150 क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो ये आपका हरियाणा का नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, ये सभी लगे हुए राज्य। तो ये थे आपके क्वेश्चंस 150। ठीक है, और आप लोग कम से कम 4 से 5 साल 6 साल के क्वेश्चंस पेपर उठा लिया करिएगा मान लीजिए, और एनसीईआरटी पढ़ लीना आप लोग, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस आपके उन्हीं से पूछे जा रहे हैं और एनसीईआरटी वैसे भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये कहानी थी, 2020 का खत्म हो गया और 2021 के लिए आपको शुभकामनाएं। जैसे ही 2021 का होगा हम लोग तब भी बात कर लेंगे। ठीक है।